हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्किन टैनिंग वीडियो, डी टैन कैसे करने का वो वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ। सनबर्न या सन टैन की वजह से स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टैन होती है, तो फिर वो टैनिंग को कैसे रिड्यूस करने का वो आज मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको डिटैनिंग कौन से स्किन के ऊपर नहीं करना है, उसका कॉन्ट्राइंडेशन क्या होता है, आपको आपकी स्किन कोई भी एलर्जिक है या कोई कर्स है, बर्न्स है, बहुत ज़्यादा एक्ने है स्किन के ऊपर, ड्राई स्किन है, पिगमेंटेशन स्किन है, बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर, नेक के ऊपर एक्ने हैं, तो उसके ऊपर आपको स्किप करना है, करना ही नहीं। आप प्रेग्नेंट हो तो भी नहीं करना है, क्योंकि उसका स्मेल इतना ज़्यादा होता है तो वो डायरेक्टली आपके स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये कंडीशंस में आपको डिटैनिंग करना नहीं होता। डिटैनिंग का क्या फ़ायदा होता है, डिटैनिंग की वजह से आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ज़्यादातर लोग अभी समर में ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग से स्किन आपकी लाइट नहीं होती है, लेकिन हेयर ग्रोथ है तो फिर आपको ब्लीचिंग करना अच्छा होता है। बट अगर हेयर ग्रोथ नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको ब्लीच को स्किप करना है। आपको उससे अच्छा डिटैन कर सकते हैं, आपकी टैनिंग, आपको स्किन की टैनिंग हटानी है तो आपको आप डिटैन कर सकते हैं स्किन के ऊपर। डिटैन आप 15 डेज में एक बार कर सकते हैं, और इससे आपकी स्किन लाइटनिंग इफेक्ट देगी। स्किन इट इज़ स्किन लाइटनिंग इफेक्ट, ये स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट है। ये स्किन की हेयर की कलर को चेंज नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जान लीजिए, इसमें ब्लीचिंग नहीं होता, ये स्किन के हेयर कलर को चेंज नहीं करता, ये आपकी स्किन को रिड्यूस करता है, टैनिंग को रिड्यूस करता है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है, और आपकी स्किन को लाइटनिंग सर्विस देता है। तो आपको इसको कितना टाइम रखना चाहिए, आपको फेस के ऊपर, नेक के ऊपर आप लगा सकते हो, फुल बॉडी के ऊपर ये लगा सकते हो। तो आप ये फेस और नेक के ऊपर 20 मिनट्स रख सकते हो, और हैंड्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स रख सकते हो इसको, क्योंकि उतना इफेक्ट देने के लिए आपको उसको 30 मिनट्स रखना ही पड़ता है। फ्रंट के ऊपर, बैक फ्रंट के ऊपर, बैक के ऊपर आपको 20 मिनट्स रखना है, 20 मिनट्स के ऊपर नहीं रखना है। और फुल बॉडी अगर लगाना है डिटैनिंग, तो आपको इससे 60 मिनट्स रख सकते हो आप। अभी मैं आपको दिखाऊंगी डिटैनिंग का कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। मेरे सैलून में ज़्यादातर यही आजकल चल रहा है, यही ट्रेंड में है, और बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। ये रागा प्रोफेशनल का है, इसे आप पहचान कैसे सकते हो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसको पहचान कैसे सकते हो? ऊपर ऐसे जब आता है तब कोड दिया रहता है, उसे जब आप ओपन करेंगे, मैंने ओपन कर दिया है, मैंने यूज़ किया हुआ है तो आपको बता रही हूँ। इसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक कलर की पैकिंग आती है, वो आप जब हटाएंगे, ये देखो, वो जब आप हटाएंगे उसके बाद और एक पैकिंग आती है, ऐसे डबल पैकिंग में रहता है, और इसका जो रहता है, इसका क्रीम रहता है, ये ऐसे लिक्विडी रहता है, लिक्विडी रहता है, जैसे ये देखो, ये देखो, ये ऐसे लिक्विडी टाइप रहता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहता है, ज़्यादा पतला नहीं रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये लगाते कैसे हैं। ये मैंने, ये आप 1 स्पून ले सकते हैं, फेस और नेक दोनों के लिए चाहिए तो 2 स्पून तो चाहिए ही, लेकिन
पहले कम ही पहले कम ही ले लो, और अगर आपको लगेगा और ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हो। ब्रश इसे आपको थोड़ा सा गाढ़ा प्रोसेस में लगाना है। आई के यहाँ पे नहीं लगाना है, और थोड़ा सा गाढ़ा लगाना है, एकदम पतला नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप फेस के ऊपर, नेक के ऊपर लगा सकते हो। इस तरह से आप फेस के ऊपर और नेक के ऊपर पूरा आपको ये लाइन में भी लगाना है, लगा सकते हो। अभी आपको 20 मिनट्स इसको रखना है। अब मैं दिखाऊंगी 20 मिनट्स के बाद कैसे होता है इफेक्ट। अभी 20 मिनट्स हो गए हैं। अभी आपको थोड़ा सा पानी लेना है हाथ के ऊपर, 2 मिनट्स मसाज करना है आपको। सर्कल पोजन मोशन में आपको मसाज करना है। जहाँ पे भी टैनिंग है वहाँ से हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। मसाज होने के बाद आपको स्पून लेना है, और स्पून से पहले आप निकाल सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा है सब आपको स्पून से निकालना है। अभी ये निकालने के बाद आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। सी आपको इफेक्ट पता चल रहा है ना, पूरा टैनिंग निकल गया है। देखो आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक करो। थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।